खरगोन जिले के सेगांव विकास खंड के 9 विद्यार्थी नीट की परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिसका कारण पालकों द्वारा शिक्षा विभाग की लापरवाही बताया जा रहा है। नीट की परीक्षा देने विकास खंड की 6 बालिका व 3 बालक समय पर परीक्षा केंद्र से वंचित रह गए। वहीं परीक्षार्थी संजना नागराज के पिता मनीष नागराज ने बताया कि मेरी बालिका और 8 अन्य विद्यार्थी समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इसके लिए मैं शासन को दोषी मानता हूं, क्योंकि मेरी बालिका का भविष्य खराब हो चुका है। वही विकास खंड शिक्षा अधिकारी मोहन वर्मा और सहायक नोडल अधिकारी नीट परीक्षा के संदीप कापरनिस ने बताया कि सारी व्यवस्था जिला कार्यालय से की गई थी। हमने शिक्षकों के साथ समय पर विकास खंड के 92 बच्चों को 2 बस व 1 टैक्सी से समय पर यहां रवाना कर दिया था, लेकिन शिक्षकों ने बताया कि प्रत्येक सेंटर दूर होने के कारण 30 से 40 मिनट का समय लगा। वो ट्रैफिक जाम होने से कुछ बच्चे परीक्षा केंद्रों पर समय से नहीं पहुँच पाए। वही विकास खंड के 9 बच्चों जो कि गरीब परिवार से आते हैं, वह पिछले 6 माह से नीट परीक्षा की तैयारी में लगे थे। उनके भविष्य का जिम्मेदार कौन है, जबकि जिला अधिकारी ने पल्ला झाड़कर विकासखंड अधिकारी के माथे मर दिया। टेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर, नीट की परीक्षा में छात्र वंचित रहे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे द्वारा प्रातः 5 बजे से बच्चों का पूरा स्क्रीनिंग करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 बसों एवं 1 ट्रैक्स द्वारा बच्चों को इंदौर पहुँचाया गया। सारी व्यवस्था श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की थी। बच्चे 10:30 बजे इंदौर पहुंच भी गए थे। एक एक केंद्र पर बच्चों को छोड़ने में लगभग 30 से 40 मिनट लगे। उसके पश्चात 12 बजे भी हमने बार बार मॉनिटरिंग की। हमारे शिक्षकों ने भी कई ऑटो चालकों से भी चर्चा की, पर उन्हें भी कई केंद्रों के बारे में जानकारी ना होने से एवं 12 बजे अचानक इंदौर में ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे कि हमारी बस ट्रैफिक जाम में बार बार फंसने से कुछ बच्चे हमारे परीक्षा देने से वंचित रह गए। क्या नाम लिखते सर? सर, मैं संदीप कापंडिस, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उमावि सेगांव, सहायक नोडल अधिकारी नीट परीक्षा खरगोन। कल 13 सितंबर को नीट की परीक्षा इंदौर शहर के अंतर्गत जितने भी परीक्षा केंद्र जिला कार्यालय से आवंटित हुए थे, उसके अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं जिला कार्यालय से हमें की गई थी। उनके निर्देशन में सारी परीक्षा संचालित हुई। हमें जो हमारे शिक्षक जिनको हमने उस बस में भेजे थे, जिनकी नियुक्तियां की थी, उनके अनुसार एक तो वहां पर ट्रैफिक जाम और परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर होने से, लगभग 20 से 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर होने से बच्चों को पहुंचाने में बहुत परेशानी हुई। और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ परीक्षा केंद्र ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे बस नहीं जा पा रही थी, जिसमें शिक्षकों को परीक्षा केंद्र तक उन्हें छोड़ने में 30 से 35 मिनट 40 मिनट तक लगे। एक तो ये कारण रहा, और कुछ केंद्र बहुत ही दूर थे जिनमें इन्हें भी और बस ड्राइवर को भी जानकारी नहीं थी, और जैसे वैसे वो आखिरी सेंटर तक पहुँचे जब तक समय हो चुका था, और इस कारण से कुछ बच्चे परीक्षा से वंचित रह गए। क्या नाम लिखते आप? जी, मोहन वर्मा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।